फिल्म की शुरुआत में दिखाया जावा है कि जवाहरलाल नेहरू सोनीपत में एक जनसभा न संबोधित करने लाग रहा है। यह बात 1942 की है। जनसभा थोड़ी सी दूरी पर दादा लक्ष्मी अपनी मंडली के लिए आंदा हुआ है और दादा अपने एक बंदे पूछा है कि दुड़िया कौन है यो। फिर दुड़िया कवा है कि दादा आयो नेहरू है। फिर दादा कवा है कि भाई बहुत नाम सुना है इसका, एक बार मिलकर आऊ हूँ इसते। जब दादा मिलन जावा है तो नेहरू का बॉडीगार्ड दादा ने मिलन तक रोक दे है। फिर दादा कवे अरे भाई एक बार मिलकर आना था बस। फिर वो बॉडीगार्ड दादा का कलर पकड़ कर कवे है कि जा जा बहुत देखे हैं तेरे जैसे। बस यह बात दादा का चुप जा है और दादा चला जावा है। फिर थोड़ी बार में दादा की रागणी की आवाज जनसभा ने सुना है तो सारे लोग नेहरू का भाषण छोड़कर दादा का निभाग ले हैं। यो सब देख कर नेहरू बौखला जा है और अपने बॉडीगार्ड तक पूछा है कि कौन है यू। फिर वो बतावा है कि साहब यो आप तो मिलन आया था और मना भगा दिया। फिर नेहरू उस तक छो मावा है अब तू पागल है के जा लिया उन्हें बुला कर। फिर वो बॉडीगार्ड दादा ने बुलावन जावा है लेकिन दादा इब कड़ावा था। दादा तो संगीत की दुनिया में जा लिया हुआ है। इब नेहरू दो रहा दादा की रागणी सुनने के अलावा कोई राह नहीं था। दादा की रागणी खत्म हुई और दादा बुग्गी पता उतर कर चाल्या तो नेहरू ने दादा का नहीं स्माइल करके हाथ हिलाया और दादा ने भी हाथ हिलाया। फिर नेहरू ने गांव के सरपंच से पूछा अ कौन है यो। फिर उसने बताया कि यो सजी मारा शेक्सपियर भविष्यवक्ता सांग सम्राट पंडित लक्ष्मी चंद। दोस्तों दादा के इस किस्से से हम यह बात सीख सके हैं कि जरूरी नहीं कि हम अपने अपमान का बदला लाठी और बंदूक का दे लेवें। बदला अपने काम तक भी लिया जा सका है। किसी लाइन को छोटा करने के लिए जरूरी नहीं कि उसको मिटाया जाए बल्कि उसके पास उससे बड़ी लाइन खींचकर भी हम उस लाइन को छोटा कर सकते हैं। इस किस्से से ये तो हमें पता चल गया कि दादा की कितनी ठाडी चौधर थी। चलो आगे चलते हैं। ये 1945 का सीन है। दिखाया जाता है कि दादा लक्ष्मी बेसुध हालत में तख्त पर पड़ा है और दादा के घर उनके चाण आले की भीड़ लाग रही है। दादा के दौरा उसका चेला और उसकी बाण बैठी है। दादा का तलब उठा है दारू की और अपने चेले तक कहे है कि अरे भाई बना दे रहे एक। यो सुनकर दादा की बाण गुस्सा हो जाए है दादा पे और कहे है अकीब तो रहन दे। फिर दादा कहे है बेबे छो मना वह थोड़ी बार मैं आपे मर लूंगा। फिर उसका चेला बोतल और गिलास लेकर आवे है। चेला गिलास में दारू गालन लाग जाए है तो दादा गिलास न फेंक दे है और बोतल खोस ले है। फिर दादा पूरी बोतल पी जाए है। दारू पी का दादा कहे है अरे तुम नू गुमसुम क्यों बैठे हो, इबे मरिया नहीं हूं मैं। फिर दादा अपनी मंडली के सदस्य दुड़िया तक कहे है ला दे रे एक धुन। दुड़िया धुन लावे है तो दादा रागणी गावे है। फिर दादा के रागणी पूरी कर दे प्राण निकल जाए हैं और दादा की बाण कहे है कि अरे लक्ष्मी के तोड़ा की थी तना जान की, काल तो तू पैदा होया था। फिर दिखाया जावा है कि हम 1903 में पहुंच गए हैं और एक मिट्टी का मकान है जिसका दरवाजा खुला है और एक लुगाई छोटे से छोरे ने गोदी में लेकर रुके मारे है। अकुदमी का छोरा हो गया रे, असल में यो बालक दादा लक्ष्मी था। फिर दादा की छठी पे लुगाई नाच गाना करा है। फिर देखते ही देखते दादा 8-10 महीने का हो जाए है और गुडलिया चालन लग गया है। एक दिन दादा आंगन में बैठा हुआ है और गली में एक सपेरा बीन बजाता जावे तो बीन की धुन सुनकर दादा गली का निगुडलियो चालन लग जाए है। देखते ही देखते दादा 12 साल को जाए है और कदी 11 गेली खेल है और कदी जोड़ में नहा लग जाए है। फिर एक दिन दादा घर तक भाग जाए है और कई दिन मावा है। यो सब देख कर दादा के माँ बाबू का भड़क हो जाए है अगर यो छोरा तो हाथ लिखड़ लिया। फिर वो दादा का झाड़ा लुआवे है। फिर थोड़े दिन दादा ठीक रहा है और एक दिन फिर मौका देख कर भाग जाए है। फिर वो 4-5 दिन बाद आवा है संग देख कर। इब की बार दादा के माँ बाप और बाण भाई इकट्ठे बैठ जाए और दादा का बाबू उदमी कवे है कि खेत क्यार और डांगर डर तो मैं आपे संभाल लूंगा, आगे पढ़ाई की बूझ होनी से इन्हें लक्ष्मी ने पढ़ा ले। फिर लक्ष्मी की माँ कवे है कि यू पढ़ेगा तो जिब इन्हें संग देखने का फुर्सत मिलेगी। फिर दादा की माँ दादा तक कवे है कि काल तक तू गऊ चरण जाएगा। फिर अगले दिन दादा अपने दोस्त जयलाल की गेल गऊ चरण जावे है और ओड़ा बैठ कर भोजन गाने लाग जाए है। फिर सांझ का टेम हो जाए है और दादा गऊ उल्टी लेने लाग जाए है। दादा राम देखा है कि एक आदमी दीपचंद बात कर रहा हुआ है कि दीपचंद भाई तो तूड़ा घास जो चाहिए ले जाया कर, बस मारते चमोले सुना दिया कर। दादा ने पता था कि दीपचंद चमोले सुनाया करे और उसने चमोले सीखने का बड़ा जुनून था तो दादा दीपचंद की जवार की बग्घी में छिपकर दीपचंद के घर पहुंच जाए है। दीपचंद अपने घर पहुंचने के बाद अपनी घरवाली तक है कि भगवान ये बरोटे गेर दे मशीन आ गया। दीपचंद की घरवाली बरोटे तारण लाग जाए तो देखा है अगर बरोटे के तलाते एक बालक लिखड़ा है जो था दादा लक्ष्मी। फिर दीपचंद दादा तक पूछा है ओ भाई तू खड़े थे। दादा बोलिया मैं जानती था। दीपचंद बोलिया के चाहिए। दादा बोलिया चमोले। गुरु जी आप मुझे चमोले सिखा दियो, मैं आपके सारे काम कर दूंगा जो भी आप कहोगे। फिर यो सुनकर दीपचंद मान जाए है। दादा ने अपने दौरा रख ला है। दादा दीपचंद के खेत का काम कराया करता और घर का काम कराया करता और रात ने दीपचंद के पैर पोछा करता। एक दिन दादा दीपचंद के पैर दबावा था तो दादा की नजर एक फोटो पर पड़ी और दादा ने दीपचंद से पूछा अ गुरु जी यू कौन है। दीपचंद कच्ची नींद में था और बोलिया भाई पढ़ लेना नीचे नाम लिख रहा है।
फिर दादा बोलिया, गुरु जी मैंने पढ़ना को नहीं आंदा। फिर दीप चंद बोलिया, अगर यो सा भाई मेरा परदादा नू करदे करदे 9 दिन हो जाए हैं, तो दूसरी तरफ दादा के माँ बाबू भी घनी टेंशन ले जाए हैं। दादा की माँ कहा है कि इस छोरे ने 9 दिन में इतने दुख दे दिए, इतने तो इसने 9 दिन ने पेट मर रहा है कभी को नहीं दिए थे। दूसरी तरफ दिखाया जा हुआ है कि तड़की का टेम हुआ है और दादा कपड़े धो रहा हुआ है। दीपचंद अपने छोरे ने स्कूल में छोड़न जा रहा हुआ है। दीपचंद की घरवाली एक दूध का गिलास ले रही है जो कि उसके छोरे ने पिया नहीं है, तो वह लक्ष्मी ने बुलावा है और वो दूध उसते पिया दे है। फिर एक दिन दादा घर में झाड़ू दे रहा हुआ है तो दीपचंद की घरवाली है, उसने देख कर तरस आ जाए और वह दादा ते सब सच बता दे है कि यो असली दीपचंद ना है, इसने तो बस दीपचंद के चमोले याद कर रखे हैं, असली दीपचंद तो वो फोटो वाला है। यो सब सुनकर दादा के होश उड़ जाए। फिर दीपचंद की घरवाली कहे है कि जा बेटे तू अपने घर जा, थारे घर के टेंशन ले रहे होंगे। फिर दादा कहे है कोई ना मां, 9 दिन में 9 चमोले याद हो गए, वैसे सौदा बुरा नहीं था। फिर दादा बड़े था अपने घर खातर चाल पड़ा है और अपने गांव में पहुंच जाए। लक्ष्मी ने देख कर सारे गांव के बाल खुश हो जाए हैं और नाचन लाग जाए हैं। फिर दादा अपने घर जावे है और दोबारा फिर दादा के परिवार वाले एक जगह इकट्ठे हो जाए हैं दादा का फैसला सुनान खातर। फिर दादा की माँ पूछा है कि थारे इतने दिन। फिर दादा कहे है खंडा। फिर उसकी माँ कहे है ओडा के था। फिर दादा कहे है चमोले। फिर उसकी माँ पूछा है अक किसके दौरा गया था। फिर दादा कहे है दीपचंद दौरा। फिर उसकी माँ कहे यू कौन है। फिर दादा कहे है वो दीपचंद था पर दीपचंद नहीं था। नू सुनकर दादा की माँ दादा का एक रपटा दर्द है। फिर दिखाया जावा है कि दादा का बाबू सारे बालका ने इकट्ठे बैठा रहा हुआ है और उन्हें समझा रहा हुआ है कि ईब थम छोटे नहीं रह रहे, ईब अपनी जिम्मेवारी समझो और तू लक्ष्मी यो नाचना गाना छोड़ दे, यो नाचना गाना डुम्मा का काम हो सह बामणा का नहीं। फिर दादा कहे है अब कौन सी किताब में लिख रहा है कि बामण गा नहीं सकते। फिर दादा का बाबू कहे है कि एक कान पट्टी पे लाया गया नहीं, सारा हिसाब किताब सही हो जाएगा। फिर दादा की माँ आ जाए है और बड़का तक वह है कि चलो रे बड़को सोने की तैयारी कर लियो। फिर वे सारे जने सो जावे हैं। रात न लक्ष्मी मौका सलाह कर फिर भाग जाए। फिर अगले दिन दादा की माँ टेंशन में बैठी हुआ है और कहे है कि इस छोरे ने तो हमारा लहू पी लिया, बता फिर भाग गया। फिर उसकी सहेली कहे है कि ए बोबो आ जाएगा घूम फिर के पहली बार भाग गया है। इतने में एक आदमी आवा है और दादा के बाबू तक कहे है कि आ जा भाई उद्मी लक्ष्मी का बेरा पाट गया। नू सुनकर उद्मी लठा ले है और दोनों जने एक सांग में पहुंचते हैं। मैं देखा है कि लक्ष्मी ओढ़ी बैठा है। उद्मी लक्ष्मी ने कहा है कि चल रहे करा। लक्ष्मी कहे है कि बाबू थोड़ी सी बार रुक जा। फिर सांग खत्म हो जाए है और फिर दादा की माँ दादा की क्लास लेवा है और कहे है कि झाड़ा मने लुआ लिया, व्रत मने राख लिए, तू बेरा नहीं कद ठीक होवेगा। फिर दादा कहे है कि माँ तू टेंशन ना लेवा, मैं आपे ठीक हो जाऊंगा। फिर दादा की माँ कहे है कि सांग में जाना छोड़ देगा। फिर दादा कहे है ना। फिर दादा की माँ कहे है तेरी टांगा ना काट कर तेरे हाथा में दे दूंगी। फिर दादा कहे है फिर जान देगी ना माँ। फिर अगले दिन दिखाया जावा है कि दादा एक पागल बाबा द्वारा बैठा हुआ है जिस तक किसी ने सिंदूर घोड़ का प्यार दिया था, जिस वजह तक उसका सुर गुम हो गया था। बस दादा उस बाबा तय बात ही कर रहा था कि एक रागनी गान की आवाज आवा है, सारे गांव वाले रुके मारदे भागले हैं, गुरु मान सिंह आ गया, गुरु मान सिंह आ गया। बस फिर गए था दादा ने तो रागनी पसंद थी है, तो दादा भी चाल पड़े रागनी सुनन। थोड़ी बार रागनी सुनकर दादा मान सिंह तक कहा है कि गुरु जी मन अपने गेल ले चल लो, मेरा उरे जी को नहीं लगता, मने कुछ नहीं करना बस गाना सीखना से, और इस खतरा आप जो कहोगे मैं वो कर दूंगा, आपकी दिन रात सेवा करूंगा। फिर गुरु जी कहे है बेटा यो इतना आसान ना है, घर बार भाई बाण सब कुछ छोड़ना पड़ा है और सबसे बड़ी बात गाना भी आना चाहिए भाई। फिर गांव वाले कहे है कि गुरु जी गाना तो बढ़िया गावा है यो छोरा, सुना दे रहा लक्ष्मी। फिर दादा गाना सुनावा है और दादा का गाना सुनकर गुरु जी खुश हो जाए हैं और दादा ने गले तला ले हैं। फिर गुरु जी दादा ने लेकर दादा के घर पहुंच जाए हैं। उड़ा जाकर गुरु जी लक्ष्मी के बाबू तक कहे है कि भाई इस छोरे ना मारे गेलो भेज दो, यो गाना सीखना चाहवा से। फिर लक्ष्मी का बाबू कहे है कि गुरु जी हम इसकी कुकर मान लें, इन्हें तो ना फिर टोटे का बेरा कोनी, इन्हें तो सारी रिश्तेदारी में हमारी बेइज्जती करवा रखी से, यो नाचना गाना डुम्मा के काम होया करा बामणा के नहीं। फिर गुरु जी कहे है कि कौन सी किताब में लिखा से भाई कि बामण गा नहीं सकते, मैं भी बामण सू, बामणा का पहला कर्म हो ज्ञान अर्जित करके दुनिया को समझाना, आरो मैं कर रहा सू। इतना समझाने के बाद भी लक्ष्मी का बाबू मान्या कोनी, तो थक हार के गुरु जी लक्ष्मी ने छोड़कर अपने घर का रवाना हो लिया। फिर अगला दिन लिखड़ा है तो लक्ष्मी की बाण लक्ष्मी ने ठान जावा है तो पता लगा है लक्ष्मी तो बाज गया, वो अपनी माँ तक बतावा है। फिर उसकी माँ लक्ष्मी का बाबू तक कहा है कि तेरी वजह तो आया है यो सब। फिर लक्ष्मी का बाबू कहा है कि तेरे लड़ प्यारा ने बिगाड़ा है लक्ष्मी, और लठ ठाक कहा है कि ईब के मना रोक मत दिए, ईब के उसकी टांग तोड़ के आऊंगा। फिर लक्ष्मी की माँ कहा है कि रान दे छोड़ जीण दे उसने अपनी जिंदगी, मैं सोच लूंगी कि मेरा एक छोरा मर गया, और नू कहकर रोन लाग जाए है और लक्ष्मी का बाबू भी लठ भुगा के खेत में चला जावा है। फिर दिखाया जावा है कि लक्ष्मी गुरुजी के पास हुआ है और उसके पैर दबाने लाग रहा हुआ है। एक दिन गुरुजी बाहर जावे थे लाठी का सारा लेकर, क्योंकि गुरुजी अंधे थे
तो लक्ष्मी आयार नु बोलिया, गुरु जी आज तो आपने इस लाठी की कोई जरूरत नहीं, आज तो आपका सारा मैं बनूंगा। बस लक्ष्मी गुरु जी की सेवा करता रहा और गुरु जी ने लक्ष्मी का गाना सिखा दिया। देखते ही 15 साल बीत गए। अरीब लक्ष्मी 25 साल का गावरू छोर हो गया था। फिर एक दिन लक्ष्मी के घर वाले गुरु जी दोहरावे हैं और गुरु जी तक कहे हैं कि गुरु जी हम बहुत तंगी में हैं, बड़ा छोरा तो पहलवानी में बड़का है, कति काला हो लिया, अरे ये लक्ष्मी का बाबू एकला कब तक घर न संभालेगा, काल नहीं छोरी भी ब्याणी से, ईब तो लक्ष्मी बड़ा हो गया, ईब तो उसने अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए, कुछ काम धंधा करना चाहिए। पर लक्ष्मी की बाण कवे है कि लक्ष्मी और कुछ काम नहीं कर सकता, लक्ष्मी तो सांग करना चाहे से। फिर लक्ष्मी का बाबू कवे है कि गुरु जी ई बाप पे कुछ समाधान काट दो। फिर दिखाया जावे है कि लक्ष्मी गुरु जी के पैर दबा रहे हुए है और बाहर तो आवाज आवे है कि गुरु जी सोन लाल संगी आ रहा है। फिर गुरु जी कवे है भेज दे भाई। फिर गुरु जी सोन लाल कवे है कि भाई यो सै लक्ष्मी ईरा दे रहा तने तरास ले इसने। फिर लक्ष्मी कवे है कि गुरु जी मैं अपने छोड़ कर कड़ी नहीं जाऊं। फिर गुरु जी सोन लाल ने बाहर भेज दे है और लक्ष्मी तक कहे है कि देख भाई तने एक बार मेरे तक गुरु दक्षिणा देने की बात कही थी, ये भी आए से मेरी गुरु दक्षिणा। फिर लक्ष्मी सोन लाल की गेल जान खतर मान जा है। फिर सोन लाल लक्ष्मी ने अपने गेल ले आवा है और अपने डेरे पर आकर उस रसोई का काम सौंप दे है। सोन लाल का सहायक राजा लक्ष्मी तक काम समझा दे है और कहे है कि लक्ष्मी तना फिंकू जो 14 साल का है और थप्पा जो 40 साल का है कि गेल रहना है रसोई में। फिर अगले दिन सोन लाल अपने कलाकार गेल सांग की प्रैक्टिस करा है और लक्ष्मी रसोई में नाचता रहा है। लक्ष्मी का समझ में आ गया था कि पूरा कोई अच्छे दिल का इंसान नहीं है, एक धुड़िया ना छोड़ गया जो कि सोनलाल का संगीतकार था। फिर एक दिन लक्ष्मी घुंगरू लेकर रात ने धुड़िया दौड़ जावे है और कहे है कि चाचा थोड़ा बजा दे मने नाचना है। फिर धुड़िया बजावे है और लक्ष्मी नाचे है। फिर अगले दिन सोनलाल पद्मावत सांग की प्रैक्टिस कर रहा है और लक्ष्मी थप्पा और फिंकू काम छोड़ कर खुद ने इमेजिन करने लग जाए उस सांग में। फिर सांग खत्म हो जाए है, फिर रात का टाइम हो जाए और लक्ष्मी का घर दिखाया जावे है। लक्ष्मी का बाबू लक्ष्मी की माता कहे है कि कित गई थी। लक्ष्मी की माँ कहे है कि सुदेश सार का एक मण बाजरे की कह काई हूँ, अगली फसल पर लौटा देंगे। फिर लक्ष्मी का बाबू कहे है के करा भगवान इस सुखे ने तुम्हारी कति कट तोड़ दी, फसल भी आधी हुई है। फिर लक्ष्मी की माँ कहे है कि तीन तीन छोरी बैठी है घरा और दंतों के तो रिश्ते भी आने लग गए, और नू बताओ उस लक्ष्मी का के करना है। फिर लक्ष्मी का बाबू कहे है कुछ नहीं करना, वो ये कर लेगा जो करेगा। दूसरी तरफ दिखाया जावा है कि सोन लाल ने घुंगरू की आवाज आवा है और वो दुड़िया के कमरे में बढ़ जाए है। लक्ष्मी और दुड़िया डर जाए है। फिर सोन लाल लक्ष्मी तक कहे है कि काल तय राजा का रोल तू करेगा। फिर राजा कहे है फिर गुरु जी मैं क्या करूंगा। फिर अगले दिन तक लक्ष्मी सांग की प्रैक्टिस करने लग जाए है और गाना गाते हुए गुरु मान सिंह का नाम ले लिया है, जिससे सोन लाल चिड़ जाए है और कहे है कि बहुत हो लिया रे गुरु मान सिंह, एक तो गुरु सोन लाल बोलिया कर, और यह बात लक्ष्मी ने बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। दूसरी तरफ दिखाया जावा है कि लक्ष्मी का भाई दीपा मर गया हुआ है। फिर अगले दिन दिखाया जावा है कि लक्ष्मी सांग की प्रैक्टिस कर रहा हुआ है और ओड़ा उसकी बाण दंतो और दोस्त जयलाल आ जाए है और दीपे के बारे में बतावा है और कहे है कि घर के आला ठीक नहीं है लक्ष्मी, चल भाई तावड़ी चल मारी गेल। फिर लक्ष्मी रोंदा रोंदा कहे है कि थम उरा रुको मैं सोन लाल तक पूछ काऊ हूँ। फिर लक्ष्मी सोन लाल दोरा जावा है और उसके दोरा बैठे राजा राम तक कहे है कि भाई काल का संग तू कर रही है, मेरा भाई मर गया है मन घर जाना पड़ेगा। सोन लाल कहे है कि भाई माड़ा होया। फिर राजा राम बोलिया कि भाई मेरी तो प्रैक्टिस छूट रही है, मैं को निकल सकता सांग। फिर सोन लाल लक्ष्मी तक कहे है कि भाई सांग तो तने ही करना पड़ेगा, मन अगली पार्टी पता साई ले ली तो, और चल इन आंसुओं ने पूंज ले तैयारी कर ले। फिर लक्ष्मी अपनी बाण दंतों तक मना करने खातर बाहर जावा है तो देखा है उड़ा कोई नहीं, असल में दंतों ने लक्ष्मी और सोन की बात सुन ली थी इसलिए बात चली गई उड़े तय। फिर लक्ष्मी दंतों ने टोंदा टोंदा रोन लाग जाए है तो उड़ा फेंकू आ जाए है और लक्ष्मी फिंकू की कोड़ी भर कर रोने लग जाए है और थापा लक्ष्मी ने सांत्वना देने लग जाए है। फिर लक्ष्मी प्रैक्टिस करने लग जाए है लेकिन लक्ष्मी का प्रैक्टिस में मोड़ा भी मन नहीं लगता और वो डांस के मूव सही नहीं कर पाता, तो प्रैक्टिस ने रोक कर सोन लाल लक्ष्मी ने धमकावा है कि लक्ष्मी सही डाल सांग कर ले, तू सांग नहीं करेगा तो तेरा बाप उदमी राम करेगा। नू सुनकर लक्ष्मी का छो उठ जाए है और लक्ष्मी सारा छोपी जाए है। फिर रात हो जाए है और लक्ष्मी घुंघरू पहर कर धुड़िया के कमरे में आ जाए है। लक्ष्मी के प्रति सोन लाल का व्यवहार धुड़िया ने भी पसंद नहीं आता और वो भी भीतर भरा बैठा था और दुड़िया ने आंख मीच कर तगड़ी धुन लाई और लक्ष्मी ने अपना सारा दुख नाचन में काट दिया। लक्ष्मी के नाच नाच कर घुंघरू टूट गए और पैरा में लहू आ गए, दुड़िया की आंख खुले हैं और यो सब देखकर दुड़िया संगीत बंद कर दे है और लक्ष्मी ने अपने दौरा बिठा कर कहे है भाई लक्ष्मी क्यों टेम खराब कर रहा है, तना बहुत दूर जाना है, ईरा है तू ईरा, मेरी मान अपना बेड़ा बांध ले, मैं भी आ जाऊंगा तेरी गेल, हाँ मैं भी आ जाऊंगा। फिर दिखाया जावा है कि अगले दिन सोन लाल ने जड़े की साई ले रखी हुआ है, ओड़ा लक्ष्मी सांग करता हुआ है, सांग बढ़िया चल रहा था और लक्ष्मी रागणी गा रहा था। फिर लक्ष्मी गाना गांधा गांधा गुरु मान सिंह का नाम ले लिया है और इस बात नाराज होकर सोन लाल सांग रोकते है और लक्ष्मी तक कहे है कि तू तनखा मेरी लेवा रोटी मेरी खावा है और नाम उस अंधे मान सिंह का और अकेले रहा वो अंधा भिखारी। यो सुनकर लक्ष्मी का छो उठ जा है और लक्ष्मी कहे है जब तक मेरी बात थी मैं सह गया, लेकिन मेरे गुरुजी के बारे में एक शब्द और बोलिया तो जबान खींच लूंगा, और अपना गमछा सोन लाल के मुंह पर फेंक कर कहे है कि कोनी करनी तेरी नौकरी जाऊं सू नू, कह लक्ष्मी चला जावा है। यो सब देख कर पब्लिक भी जान लाग जाए क्योंकि पब्लिक लक्ष्मी के कारण आई थी सांग देखने।
फिर सोनलाल सरपंच ने समझावा है कि कड़ी ना जाओ, ई बुलाऊ लक्ष्मी ने, फिर पब्लिक बैठ जाए। फिर सोनलाल अपनी मंडली के सदस्य शंकर तक कहवा है, भाई जा लक्ष्मी ने बुला कर लिया, नहीं तो भीड़ लत्थे पाड़ देगी, ना तो सोनलाल रवे और ना सोनलाल का बेड़ा। फिर शंकर लक्ष्मी दो रजावा है जो थोड़ी दूर जाकर बैठा हुआ है। शंकर कहवा है, भाई लक्ष्मी चल, तेरे बिना सांग पूरा को नहीं हुआ है। फिर लक्ष्मी कहवा है, ना भाई मैं को नहीं जानता। फिर शंकर कहवा, चल भाई तेरा ही नाम खराब कर देगा सोन, अगर लक्ष्मी सांग छोड़कर भाज गया था। फिर लक्ष्मी कहवा के, भाई शंकर यो मेरा आखिरी सांग है, और तना तो बेरा ही हमारे घर में कितनी तंगी चल रही है, इस सांग के बाद मेरा हिसाब करवा दिए। फिर शंकर बोलिया, चल ठीक से भाई। फिर लक्ष्मी रागनी गावा है और गांव वाले खुश हो जाए हैं। स्टेज के थोड़ी दूर बैठा राजा सोनलाल तक कहवा है, जो इसने अपना बेड़ा बांध लिया ना तो अपने तो रोटी के लाले पड़ जाएंगे। सोनलाल कहवा है कि नो कुकर बांध लेगा बेड़ा। फिर दिखाया जावा है कि लक्ष्मी रागनी में गुरु मान सिंह का नाम लेवा है और सोनलाल कुछ नहीं कहता। फिर सांग खत्म हो जाए। सांग खत्म होने के बाद सोनलाल स्टेज पर लक्ष्मी दोहरावा है और कहवा है, तेरे कंठ में सरस्वती का वास है। फिर राजा लक्ष्मी तक कहवा है कि भाई लक्ष्मी इतने साल कट्ठे रहे हैं, चल रोटी खा कर जाइए, तड़का कर देंगे तेरा हिसाब। फिर दुड़िया लक्ष्मी तक कहवा है कि चल गणा नहीं सोचा करते, फिर वे सारे जने अपने डेरे पा जाए हैं। उड़ा दिखाया जावा है कि मंडली के सारे लोग लक्ष्मी की तारीफ कर रहे हुए हैं और राजा राम कहवा है कि गुरु जी का आदेश है कि पहले लक्ष्मी तो रोटी खुवानी है। फिर राजा लक्ष्मी खाते रोटी लिया हुआ है और लक्ष्मी खान लाग जाए है। रोटी खाते ही लक्ष्मी का बेचैनी सी हो जाए है और वो कुछ बोल नहीं पाता। फिर राजा उसके खातर पानी लिया हुआ है कुछ गोल का। फिर लक्ष्मी पानी पी ले है, लक्ष्मी का घनी उचाटी लाग जाए है और वो समझ जावा है कि उसकी गेल धोखा हुआ है और लक्ष्मी ओढ़े तय रात ने भाग जावा है। फिर सवेर हुआ है और लक्ष्मी अपने घर पहुंचा है गिरदा पड़दा। लक्ष्मी की हालत देख कर उनके घर वाले घबरा जावा है और वैद्य जी ने बुलावा है। वैद्य जी लक्ष्मी तक पानी पियावा है और गेली लक्ष्मी को उल्टी लाग जाए है। फिर वैद्य जी लक्ष्मी के भीतर तलिकड़े अड़ंगे ने देखा है और बतावा है कि इसका पारा खुआ रखा है और सिंदूर गोल का पिया रखा है, इब यो कदे भी गा नहीं पावेगा। फिर लक्ष्मी की माँ कहे है कि जिंदा तो रहेगा। फिर वैद्य जी कहे है कि ओ तो इस बात के ऊपर है कि इसके भीतर पारा कितना बच रहा है। फिर दिखाया जावा है कि लक्ष्मी सारा दिन जोड़ में पड़ा रहा है ठंड के मारे, कदी गड़वे ना अपने ऊपर रिताले है। फिर एक दिन वैद्य जी लक्ष्मी के घर आवा है और लक्ष्मी का बाबू वैद्य जी तक कहे है कि इसकी सारी आण उचाटी लागी रहा है। फिर वैद्य जी कहे है, भाई पारे में घनी गर्मी होवे है, तुम इसने ठंड में रखो। फिर एक दिन लक्ष्मी और उनके घर वाले खंडर में बैठे हुआ जड़े कुआ भी था। लक्ष्मी ने अपने घर वाले समझाया कि वो कुएं में खाट गाल कर रहना चाहवा है। पहले तो यह बात सुनकर लक्ष्मी के घर वाले राज करके, लेकिन बाद में वे मान गए। फिर लक्ष्मी कुएं में खाट पे पूरा दिन रंदा और रात ने खंडर में सो जाता। लक्ष्मी कुएं में गाने की कोशिश करा करता लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। फिर एक दिन दुलिया भी आया और उसने भी धुन लाई, लेकिन जिस लक्ष्मी का नचदे नचदे पैरों में खून उतरा हुआ था वो फिलहाल कति सुन बैठा था। यो सब लक्ष्मी की बाण दंत भी देख रही थी और वह यो देख कर मायूस होगी। लक्ष्मी का परिवार भी दिन में लक्ष्मी दो रोटी खाया करता। फिर एक दिन लक्ष्मी के बाबू का छो उठ जाए और वो कहे है कि मैं आड़ा संभालू अकोड़ा संभालू, मन आज के बाद आड़ा कोई नहीं दिख जाएगा। फिर लक्ष्मी की माँ लक्ष्मी की जिम्मेवारी ओड़ा रहने वाले गुंगे पे सौंप जावा है। फिर 7-8 महीने के बाद दिखाया जावा है कि लक्ष्मी के कुएं में बैठे हुए उचाटी सी हुआ है और वो कुएं तबाह रखकर उल्टी करा है और उसकी उल्टी में सिंदूर लिखा है और उसकी आवाज आ जाए है और वो माता के ताबीज ने हाथ लाकर भगवान का शुक्रिया करा है। यो ताबीज उसका गुरु मान सिंह ने दिया था। यो सब ओगुंगा भी देख ले है और लक्ष्मी के घर आया तब ताण खातर भागा है। दूसरी तरफ लक्ष्मी एक माता के मंदिर में जावा है और पूजा करके अपने तिलक कर रहा है। फिर दिखाया जावा है कि उनके घर आला भी ओड़े पहुंच जावा है। फिर लक्ष्मी की माँ कहे है, चल बेटा घरा। फिर लक्ष्मी कहे है, ना माँ इबे नहीं। फिर लक्ष्मी की माँ कहे है, इब के रह गया बेटा। फिर लक्ष्मी कहे है, अपना बेड़ा बांधूंगा। यो सुनकर सब उदास हो जाए हैं। फिर दिखाया जावा है कि लक्ष्मी ने बेड़ा बांध लिया हुआ है जिसमें दुड़िया भी शामिल हुआ है और लक्ष्मी रागनी गावा है। फिर उड़े सोनलाल और राजा आ जावा है और राजा कहे है कि गुरु जी लो बांध लिया इसने तो अपना बेड़ा। फिर सोनलाल कहे है, आजा तोड़ेंगे इसके बेड़े ने भी। लक्ष्मी की रागनी की गेल गेल फिल्म भी खत्म हो जाए। तो दोस्तों याद थी दादा लक्ष्मी की कहानी। इस कहानी ने सुनाने के बदले मैं ना तो चून मांगदा और ना सूट, बस एक लाइक और एक शेयर मांगू हूँ। बाकी चैनल तो थम सब्सक्राइब कर ही लोगे। एक बात और कहना चाहूँ तुमने, मौका सा लाकर इस फिल्म ने देखियो जरूर, घनी अंडी फिल्म है और देखने में तो और भी स्वाद है। फिल्म मिलेगी तुमने स्टेज ऐप पे। और हाँ कमेंट में नू जरूर बताइयो तुमने कहानी का कौन सा सीन बढ़िया लग गया। धन्यवाद।